आजकल डोनाल्ड ट्रंप की वजह से बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं हमें तुम्हें यहाँ बैठी तुम्हें क्या परेशानी है? बहुत हाँ, एक ज़्यादा परेशानी है। हाँ आगे बताओ। जी नहीं, मैंने बस यही पूछना था कि अहमदी मुसलमान होने की हैसियत से हमें जाना चाहिए इन प्रोटेस्ट में। यहाँ भी 1.8 मिलियन हो गए हैं शायद लोग, जिन्होंने वो उस पर साइन कर दिए हैं पिटीशन पे। ठीक है ना, अब असेंबली में डिस्कस होगा। तो काफ़ी लोग हैं, तुमने जाके क्या कर लेना है? हैं, एक और इजाफा हो जाएगा। बाकी वो उसका भी गलत है, जो आने वाला मेहमान किसी घर जाता है वो ये नहीं कहता कि मैं तुम्हारे घर तो आ रहा हूँ, मैं तुम्हारी अम्मा को नहीं मिलूँगा, मैं तुम्हारे भाई को नहीं मिलूँगा, हैं, मैं तुम्हारे अब्बा को नहीं मिलूँगा, हैं, लेकिन तुमने मेरी खातिर पूरी की तरह करनी है। तुम क्या कहोगे उसको? कहोगे तुम मेरे घर ना आओ, जज़ाकअल्लाह। तो यही हाल उसका है कि मैं आ रहा हूँ, मैं शहजादा चार्ल्स को नहीं मिलूँगा, इसलिए कि वो ये जो है क्लाइमेट चेंज के बारे में बड़ा कुछ कहता है, बड़ा एक्टिविस्ट है उसका, तो इसलिए मैं नहीं मिलना, मेरा दिमाग ख़राब करेगा। रूड आदमी है, बड़ा सख्त। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर से बातें हुई फ़ोन पे, तो बातें करते उसने कहा कि मेरा उसे एक हुआ हुआ एग्रीमेंट उसके ओबामा से कि हम रिफ्यूजीज़ को किस तरह हम करेंगे, एडजस्ट क्या करेंगे, तुम भी उसको ऑनर करना। तो कहता ये वो उसके थोड़ी देर बाद ठड़क करके फ़ोन बंद कर दिया। उसको तो बेसिक एटिकेट्स भी नहीं आते बहुत तो, लेकिन दुनिया वाले लड़ रहे, लड़ने तो हमें क्या इससे? ये भी अल्लाह ताला की तकदीर है कि दुनिया वालों को आपस में लड़ा रही है ताकि फिर दीन की तरफ भी तो जो पैदा हो एक वक्त में। और तकबर अमेरिका का भी टूटना है, अगर वो बड़ी सुपर पावर समझता है ना अपनी, अब वो डेमोक्रेसी के लिहाज से तो उनकी जो रेटिंग है ना, उसमें पहले जो मैक्सिमम लिमिट पे था ना, उससे उन्होंने नई रेटिंग में नंबर 2 पे आ गया है, नीचे आ गया। ठीक है,